जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं शिव जी और कृष्ण जी की यह कहानी। शिव और कृष्ण में जब छिड़ गया संग्राम, आइए सुनते हैं यह कथा। भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु और शिव एक दूसरे के भक्त भी हैं। पुराणों में जो कथाएं मिलती हैं, उनके अनुसार शिव को नहीं मानने वाला व्यक्ति विष्णु का प्रिय नहीं हो सकता। इसी प्रकार विष्णु का शत्रु शिव की कृपा का भागी नहीं हो सकता। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे भगवान शिव और विष्णु के अवतार श्री कृष्ण युद्ध में आमने सामने आ गए और छिड़ गया महासंग्राम। पुराणों में शिव और श्री कृष्ण के बीच हुई युद्ध की जो कथा मिलती है, उसके अनुसार राजा बलि के पुत्र वारासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके उनसे सहस्त्र भुजाओं का वरदान प्राप्त कर लिया। वारासुर के बल से भयभीत होकर सभी उससे युद्ध करने से डरते थे। इससे वारासुर को बल का अभिमान हो गया। वारासुर की पुत्री उषा ने एक रात स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। उषा स्वप्न में ही अनिरुद्ध को देखकर उस पर मोहित हो गई। उषा ने अपने मन की बात सखी को बताई। सखी ने अपनी मायावी विद्या से अनिरुद्ध को उसके पलंग सहित महल से चुराकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा दिया। अनिरुद्ध की नींद खुली तो उसकी नज़र उषा पर गई। अनिरुद्ध भी उषा के सौंदर्य पर मोहित हो गया। जब वारासुर को पता चला कि उसकी पुत्री के शयन कक्ष में कोई पुरुष है, तो सैनिकों को लेकर उषा के शयन कक्ष में पहुंचा। वहां पर वारासुर ने अनिरुद्ध को देखा। वारासुर के क्रोध की सीमा न रही और उसने अनिरुद्ध को युद्ध के लिए ललकारा। वारासुर और अनिरुद्ध के बीच युद्ध होने लगा। वारासुर के सभी अस्त्र विफल हो गए। तब उसने नागफास में अनिरुद्ध को बांध कर बंदी बना लिया। इस पूरी घटना की जानकारी जब श्री कृष्ण को मिली तो वह अपनी सेना के साथ वारासुर की राजधानी में पहुंच गए। श्री कृष्ण और वारासुर के बीच युद्ध होने लगा। युद्ध में अपनी हार होता हुआ देखकर वारासुर को शिव की याद आई, जिसने वारासुर को संकट के समय रक्षा करने का वरदान दिया था। वारासुर ने शिव का ध्यान किया तो शिव जी युद्ध भूमि में प्रकट हो गए। वारासुर की रक्षा के लिए शिव ने श्री कृष्ण से कहा कि युद्ध भूमि से लौट जाएं, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करें। श्री कृष्ण ने शिव से युद्ध करना स्वीकार किया और छिड़ गया शिव और श्री कृष्ण के बीच महासंग्राम। श्री कृष्ण ने देखा कि शिव के रहते हुए वह वारासुर को परास्त नहीं कर सकते, तो उन्होंने शिव से कहा कि मेरे हाथों से वारासुर का पराजित होना विधि का विधान है। आपके रहते मैं विधि के इस नियम का पालन नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण के इन बातों को सुनकर भगवान शिव युद्ध भूमि से चले गए। इसके बाद श्री कृष्ण ने वारासुर कुछ चार बाजुओं को छोड़कर सभी को सुदर्शन चक्र से काट दिया। वारासुर का अभिमान चूर हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा मांगकर अनिरुद्ध का विवाह उषा से करवा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।